सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो आप लोग पैन कार्ड बनवाते हैं तो उसके लास्ट में जब आप लोगों को फॉर्म रिसीव्ड होता है जहाँ पे आप लोगों की फ़ोटो लगी होती है, साइन होते हैं आप लोगों के, तो वो फॉर्म आप लोगों को भेजना कहाँ होता है, किस डिपार्टमेंट में भेजना होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। तो ये जो आप लोगों के डाउट्स थे, तो ये आप लोगों ने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों ने कमेंट किए हैं। ये आप लोगों की बहुत मेजर क्वेरी है आप लोगों की कि इस फॉर्म को हम लोग को भेजना कहाँ होता है। आप लोग फॉर्म सब कुछ फिल कर लेते हैं अच्छे से, सारी इन्फॉर्मेशन कॉलम वाइज में जहाँ जहाँ डालनी होती है, आप लोगों ने मेरी वीडियो पे देख के आप लोगों ने सब कुछ डाल लिया है, बट इस फॉर्म को भेजना कहाँ होता है, ये आप लोगों का मेजर डाउट है। तो आज वीडियो में आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं, ये सारी क्वेरीज को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ और आप लोगों को बताऊंगा कि फॉर्म को भेजना कहाँ होता है। तो फिर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ दबा देना बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और वीडियो आप लोग देख सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड बनवा लिए हैं और बाय मिस्टेक उनके पैन कार्ड के अंदर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फेल हो गई है, उनकी गलती से कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल दिया है और वो पैन कार्ड करेक्शन कराना चाहते हैं, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अगर वीडियो अब तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो वीडियो जाइए और देखिए। और अगर आप लोग कोई भी करेक्शन कराना चाहते हैं पैन कार्ड में, चाहे वो फादर नेम हो, आपका नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, तो सारा ही प्रोसेस मैंने आप लोगों को ऑनलाइन बता रखा है। आप लोग कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो देख के आप लोग सीख सकते हो, अपने पैन कार्ड में करेक्शन करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी आप एक पैन कार्ड बनवाते हैं तो तीन तरीके से उस पैन कार्ड को बनाया जाता है। जो पहला प्रोसेस होता है EKYC प्रोसेस होता है, दूसरा होता है E-साइन प्रोसेस, और थर्ड जो होता है वहाँ पे आप लोगों को फिजिकल डॉक्यूमेंट, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट आप लोगों को इनकम डिपार्टमेंट में जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं फिजिकल आप लोगों को इनकम डिपार्टमेंट में भेजने होते हैं। तो ये तीन तरह के प्रोसेस होते हैं जब भी आप एक ऑनलाइन आप लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन कर रहे हैं तो वहाँ तो ऑफलाइन ही है, जब आप लोग एक सेंटर में जाते हैं वहाँ अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करते हैं, बट ये बात है जब आप लोगों को फॉर्म कहीं सबमिट करना होता है तो तीन प्रोसेस के थ्रू ही आप जा सकते हो। तो जो पहला प्रोसेस हुआ आप लोगों का, उसको हम बोलते हैं EKYC। EKYC प्रोसेस फ्रेंड्स जब आप लोग तभी फॉलो करते हैं जब आप लोग के आधार कार्ड में सारी डिटेल आप लोगों की सही फिल होती है और EKYC के थ्रू आप लोग अपने पैन कार्ड को बनाते हैं। तो जब आप लोग EKYC के थ्रू अपना कोई भी पैन कार्ड बनवा रहे हैं, तो जब मैं पैन कार्ड बनाने की बात करता हूं तो यहां पे आप लोगों का करेक्शन प्रोसेस भी इंक्लूडेड है, आप लोगों का नया पैन कार्ड जब आप बनाते हैं वो भी इंक्लूडेड है, या फिर आप लोग माइनर पैन कार्ड बनवा रहे हैं वो भी इंक्लूडेड है, और माइनर टू मेजर जब आप बनवाते हैं, कन्वर्ट करवाते हैं अपने पैन कार्ड को, तो वो भी इंक्लूडेड है। तो ये सारे ही प्रोसेस में आप लोगों को, जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फॉर्म सबमिट का करना होता है, तो सारे ही प्रोसेस में एक ही प्रोसेस आप लोग फॉलो करेंगे। तो मैं आप लोगों को जो एक कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो है पैन कार्ड बनवाना। तो पैन कार्ड जब आप बनवाते हैं तो EKYC के थ्रू अगर आप लोग बनवा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग आधार कार्ड के थ्रू बनवाते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों का कोई भी फॉर्म जनरेट नहीं होता है। लास्ट में एक फॉर्म आता है आप लोगों के पास, बट वो फॉर्म आप लोगों को कहीं पर भी सबमिट नहीं करना होता है, क्योंकि आप लोगों ने क्या है कि आधार कार्ड के थ्रू बनाया है। तो जो डिटेल आप लोगों की आधार कार्ड में फिल होती है, जैसे आप लोगों की फ़ोटो हो गई, अगर आप लोग फोटो अपडेट कराना चाहते हैं आधार कार्ड वाली पैन कार्ड के अंदर, तो आप लोग वो भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता है जब आप एक पैन कार्ड की एप्लीकेशन भर रहे होते हैं। तो ये हो गया। साथ में अगर आप अपना फादर्स नेम इंक्लूड कराना चाहते हैं जो आपके आधार कार्ड पे है, या डेट ऑफ बर्थ इंक्लूड कराना चाहते हैं, ठीक है, बट ये तभी करवाइए आप लोग, EKYC प्रोसेस तभी फॉलो कीजिए जब आप लोग के आधार कार्ड के अंदर सारी डिटेल आप लोग की सही फिल है। अगर आप लोग EKYC के थ्रू फॉलो करेंगे और कोई गलत डिटेल आप लोग के आधार कार्ड में है तो गलत डिटेल ही पैन कार्ड में आ जाएगी, तो इसका जो करेक्शन प्रोसेस होगा फिर वो लंबा होता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो प्रोसेस क्या है वो लंबा हो जाता है आप लोगों का। इनकेस अगर आपके आधार कार्ड में कोई गलती है तो पहले अपना आधार कार्ड ठीक करवाइए, उसके बाद ही आप EKYC के थ्रू प्रोसेस फॉलो कीजिए। पर EKYC के थ्रू अगर आप लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई भी फॉर्म कहीं पे भी सबमिट नहीं कराना है, ध्यान रखना। EKYC के थ्रू करते के साथ ही आप लोगों का जो पैन कार्ड है आपके मेल पे आएगा, और अगर आप लोगों ने हार्ड कॉपी मंगवा रखी है, आप लोगों को जो 110 रुपये देके 115 रुपये देके आप लोग हार्ड कॉपी अगर मंगवाते हैं, तो उसके थ्रू आप लोगों को वो हार्ड कॉपी आप लोगों के रजिस्टर्ड एड्रेस पे आ जाएगी, जो आप लोगों के आधार कार्ड पे एड्रेस होता है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों की, सारी डिटेल आप लोगों की आधार कार्ड में ठीक होनी चाहिए। सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं फ्रेंड। सेकंड प्रोसेस होता है E-साइन प्रोसेस। E-साइन प्रोसेस हमारा सेकंड प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर आप लोगों को पता ही होगा, जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, E-साइन प्रोसेस के अंदर आप लोगों को जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी स्कैन कॉपी आप लोगों को अपलोड करनी होती है। तो अगर आप लोग का ई पैन कार्ड की अपनी स्कैन कॉपी आप लोग को अपलोड करनी है, फोटो आप लोग को अपलोड करने हैं, ठीक है, सिग्नेचर आप लोग को अपलोड करने हैं, तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं
इनकी आप लोगों को स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है, और वहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है कि कितने पिक्सल का आप लोगों को इसकी जो फ़ोटोज़ हैं वो अपलोड करनी है, कितने बाई कितने आप लोगों का जो डायमेंशनस हैं आप लोगों की फ़ोटोज़ की, जो डॉक्यूमेंट्स की, वो उसी डायमेंशन में आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों के वो अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी गलती मत करना, क्योंकि क्या होता है कि आप लोग अपलोड करेंगे वो एक्सेप्ट कर लेता है, बट बाद में आप लोग जब सबमिट करने जाओगे एप्लीकेशन को तो वो एरर शो कर देगा कि यहाँ पर आप लोगों की जो फाइल है वो सही नहीं अपलोड करी है, वो कम पिक्सल्स की है, या वो ज़्यादा आप लोगों ने साइज़ अपलोड कर दिया है बड़ा। तो वो ध्यान रखना है आप लोग को पहले पढ़ना है उसमें ध्यान से कि कितने साइज़ का उसने मांगी है फ़ोटो, कितने साइज़ के डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करने हैं, उसके बाद ही आप लोग ई साइन प्रोसेस के थ्रू जाइए। और जब ई साइन प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो आप लोगों का जो लास्ट में फॉर्म आता है तो वहाँ पर आप लोगों के फ़ोटो साइन सब कुछ लगे हुए आते हैं, और उस फॉर्म के साथ साथ उस फॉर्म में आप लोगों को साइन करना है, उस फॉर्म के साथ साथ आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड कर रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजने हैं। अब ये डिपार्टमेंट होता कहाँ है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि तो हर स्टेट में फ्रेंड्स आप लोगों का एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, वो आप लोग गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। आप लोग जहाँ पे भी रहते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हैं, तो आप लोग नियरेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लोग गूगल में सर्च कीजिए, तो वहाँ पे आप लोगों को जो भी एड्रेस है आप लोगों का जो नियरेस्ट होगा आप लोगों का वो आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। बट ध्यान रखना है आप लोग इसको हेड ऑफिस में भी भेज सकते हैं या फिर आप लोग लोकल ऑफिस में भेज सकते हैं। इनकेस अगर आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी होती है कि स्टेट में मेरे को कोई भी फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनका मैं इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ। तो आप लोग मुझे यूट्यूब प्लस इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कीजिए। तो इंस्टाग्राम पे क्या है, मैं आप लोगों को इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ विद इन 1 आवर। तो वहाँ पे आप लोगों की जो क्वेरीज हैं वो मैं आप लोगों को जल्दी रिजॉल्व कर सकता हूँ। ये मेथड था सेकंड मेथड, ई साइन मेथड, जहाँ पे आप लोगों को स्कैन कॉपी आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड करनी होती है, और जो उसकी हार्ड कॉपी होती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजनी होती है। जो फ्रेंड्स थर्ड प्रोसेस है इसका, लास्ट प्रोसेस, वहाँ पे क्या है, आप लोगों को जो फॉर्म आप लोग फिल कर रहे हैं वहाँ पे आप सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जो भी आप लोग की करेक्शन कराना चाह रहे हैं तो करेक्शन की इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए, नया बनवा रहे हैं तो आप लोग की नई इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो सारी फिल कीजिए। और नई में आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों को मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये डालना जरूरी है, आप लोग ये डालिए। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, बट इसको छोड़िए मत, क्योंकि फिर आप लोगों को बाद में डालना, कोई करेक्शन करवाना है या कुछ है, वहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब मांगता है दोबारा, और वहाँ पे क्या है कि आप लोगों का ऐड नहीं हो पाता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम आप लोग पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग अपना फ़ोन नंबर और मेल आईडी याद से जरूर डालिए, और सही डालिए, गलत मत डालिए। तो थर्ड जो प्रोसेस है हम लोग का वो है, वहाँ पे आप लोग को सारे डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी भेजने पड़ते हैं। फॉर्म आप लोगों ने ऑनलाइन फिल किया, उसके लास्ट में आप लोगों की जो रिसीट आती है वो आप लोग डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ जो उसकी होती है वो डाउनलोड करने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट वो मांगे जाते हैं अंदर आप लोगों से मांगे जाएंगे कि आप लोग पावर ऑफ आइडेंटिटी में क्या डाल रहे हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या डाल रहे हैं, तो ये जहाँ जहाँ भी इसमें जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट डालेंगे, सपोज़ कीजिए वहाँ पे आप लोग वोटर आईडी कार्ड डाल रहे हैं या गवर्नमेंट का कोई भी प्रूफ डाल रहे हैं, आप लोग बैंक की आईडी डाल रहे हैं या बैंक की जो पासबुक होती है वो डाल रहे हैं, पासपोर्ट डाल रहे हैं, इन सारे की आप लोग को एक फोटोकॉपी बना के आप लोग एक बंच बनाना है, ये बंच आप लोग को उस फॉर्म के साथ भेजना है। तो ध्यान रखना जो जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग डाल रहे हैं उससे रिलेटेड, तो आप लोगों को एक एक फाइल जरूर देनी है जिसमें वो सारी चीज़ें मेंशनड हो। जैसे आप लोग फादर नेम करेक्शन करा रहे हैं तो आप लोगों को फादर का जो आधार कार्ड होता है या फादर का पैन कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग, मतलब कोई भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मैं कह रहा हूँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लोगों को साथ में भेजना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक एक ही लगाइए, आप मल्टीपल भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, कभी कभी वो सेटिस्फाई नहीं होते एक चीज़ से, तो वहाँ पे आप लोगों को वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट देख के आप लोगों के वो जो प्रोसेस है, आपकी जो फॉर्म है वो प्रोसेस जल्दी करेंगे। इनकेस अगर आप लोगों के लिमिटेड डॉक्यूमेंट हुए और वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर वो क्या है, डिस्क्रिपेंसी लेटर इशू कर देते हैं कि हम लोग को ये डॉक्यूमेंट नहीं मिला, आप लोग एडिशनल डॉक्यूमेंट दीजिए। तो वहाँ पे भी आप लोगों को बहुत बार डिस्क्रिपेंसी लेटर भी इशू हुए हैं हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को, तो उनके भी यही क्वेश्चन रहते हैं कि सर अब हम क्या भेजें, कैसे करें। तो मैं आप लोग बता दूँ कि आप लोग मल्टीपल डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, उससे क्या है आप लोगों का नुकसान तो है नहीं, बट आप लोगों का क्या है, काम जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। तो थर्ड डॉक्यूमेंट, थर्ड जो प्रोसेस है आप लोगों का, इसमें आप लोगों को हार्ड कॉपी सारे भेजने हैं उस फॉर्म के साथ। तो ये तीन प्रोसेस होते हैं, ई केवाईसी में आप लोगों को कुछ नहीं भेजना है, ई साइन और हार्ड कॉपी में आप लोगों को फॉर्म के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर भेजने हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एक छोटा सा प्रोसेस, जहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को फॉर्म कहाँ भेजना होता है और कैसे भेजना होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो जरूर पसंद आया होगा आप लोगों को। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इनकेस अगर आप लोग का इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप लोग का कोई सजेशन है
या आप लोग चाह रहे हैं कि मैं आप लोगों के किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो वो लोग भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।